कानपुर के रेल बाजार निवासी एमएससी छात्रा की 29 दिसंबर को एक तरफा प्यार में पागल उसके सहपाठी कैंट निवासी सोमनाथ गौतम ने अपने दो साथी सत्यम मौर्य और फतेहपुर निवासी रावेंद्र के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद छात्रा के परिजनों ने आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में तीनों आरोपित जेल में हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है आरोपियों में दो के पिता पुलिस विभाग में हैं, जिस कारण पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य अन्य जल त्याग कर अनशन करने बैठ गए हैं। उमाकांत यादव जी, 29 तारीख को हमारी बड़ी बहन अंशिका यादव डीएवी कॉलेज के लिए लैपटॉप का पता लगाने गई थी, तो वहाँ और उनको हम लोग कॉल कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, बट उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। और शाम के टाइम पे जब हम लोग कॉल करना और रिश्तेदारों के यहाँ पता कर रहे हैं, तो फिर शाम के टाइम पे यहाँ से कॉल करा तो किसी ने रिसीव करा, कह रहे हैं यहाँ पे एक लड़की सीओडी पुल के नीचे पड़ी है। तो वहाँ पे सब लोग गए, तो वहाँ से लेकर काशीराम हॉस्पिटल में लोग गए, तो काशीराम हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा बिटिया 6 से 7 घंटे पहले मर चुकी है। फिर वहाँ से हम लोग को जो विश्वास नहीं हुआ तो दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने यही कहा बिटिया 6 से 7 घंटे पहले मर चुकी है। तो फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को कॉल करा, फिर पोस्टमार्टम के लिए गया बॉडी दीदी की। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने पहले तो हम लोग साथ बहुत अच्छा करा, फिर उसके बाद जब पता चला कि उनकी गैंग रेप करके हत्या कर दी गई है, तो फिर उसके बाद पुलिस वालों ने भी अपने नोटिस में भी काफ़ी चेंज कर दिया। पहले उनको जिंदा कर दिया, फिर मार दिया, फिर जिंदा कर दिया। हम लोग को बस यही चाहिए कि सीबीआई जांच हो जी, इसलिए आज अनशन में बैठे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग, हमारा पूरा परिवार ना अन्न ग्रहण करेगा ना जल ग्रहण करेगा। पीड़ित परिवार की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मेरा चंद्रकांत यादव, आज क्या क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं, हम अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सीबीआई जांच मांग रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मेरी बेटी को जो हत्यारे ने मारा है उनको फांसी मिले और इस बड़ी को सजा मिले। क्या घटना हुई थी, क्या था पूरा मामला? मेरी बेटी घर से 11 बजे निकली 29 तारीख को लैपटॉप का पता लगाने, फिर हम लोग फ़ोन मिलाते रहे, रिंग पूरी जाती थी मगर रिसीव नहीं होती थी। फिर हम लोग सोचे कि हो सकता है फार्म या कोई बात होगी इसीलिए नहीं उठा रही है। धीरे धीरे 3 बज गया 3:30 बज गया, फिर हम लोग परेशान होने लगे, इधर उधर पता लगाने लगे, कहीं नहीं। 7 बजे तक मेरी बेटी 6:30 बजे तक तो आ ही जाती थी, फिर भी हम लोग कहें हो सकता कहीं होगी, नहीं आई। 7 बज गया, फिर धीरे धीरे 7 से 7:30 8 बज गया, फिर किसी ने इंसान ने फ़ोन किया ये लड़की यहाँ पड़ी है, तो हम लोग भागते हुए गए। वहाँ जाने पे हमारी बेटी मर चुकी थी, हम लोग चीखते चिल्लाते रह गए। फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, फिर हम लोग लेके हॉस्पिटल भागे। सड़क पे हम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, चेकअप किए, कहें लड़की 6-7 घंटा हो गया ख़त्म हो गए, फिर भी हम लोग चिल्लाने लगे डॉक्टर को, पर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, वो भी बोले कि आपकी लड़की ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हम, मेरे होश ही नहीं था कि हम क्या करें अपनी लड़की के लिए। हमने सबसे मदद मांगी, सबसे विनती की कि मेरी बेटी को जिंदा करा दे, गैंगरेप करके मेरी लड़की का गला दबा के मार डाले सब जानवरों ने। हम ये चाहते हैं सिवाय जांच हो, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, फांसी मिले, और क्या हमें चाहिए। हाँ, इसीलिए हम अनशन पे बैठे हैं। हमने बहुत पुकार डाली, बहुत भिन्नते की, सबके दरवाजे खटखटाए, मगर मेरी आवाज़ किसी की यहाँ नहीं पहुँची कि किसी मेरी आवाज़ सुनी हो, नहीं मेरी आवाज सुनेगा। हम लोग इतने गरीब इंसान, हमने बच्चों से ख्वाहिश रखे थे कि हम लोग के पूरी होगी, एक एक पैसे इकट्ठा कर करके सपना देखे थे कि हमारी बेटी पढ़ेगी, हम लोग का सहारा बनेगी, अगर मेरा सहारा तो पहले ही तोड़ दिया।
पुलिस वाले ने पहले मदद की, फिर उसके बाद मेरी बेटी को तो एक एक खिलौना ही बना डाला उन्होंने, और न तो एक एक बातें बना रहे हैं, एक एक बातें बना रहे हैं। कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक नहीं मिलेगा हमें सीबीआई जांच का आदेश तब तक बैठेंगे। जब मेरी बेटी ही चली गई तो हमें जिंदा रहने का क्या फायदा? यही तो मेरे यहाँ का तारा थी, यही तो मेरा सब कुछ था।